गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम हिंदी ग्रामर में एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है मेरे साथ पढ़िए। थोड़ा सा बड़ा शब्द है, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। इसका हम विच्छेद करते हैं। देखिए, श्रुति एक शब्द हो गया, सम एक शब्द हो गया, भिन्न एक शब्द हो गया और अर्थ एक शब्द हो गया। तो इसमें कितने शब्द हैं इन टोटल? चार। श्रुति मीन्स सुनना, सम मीन्स समान या एक जैसा, और भिन्न मीन्स अलग अलग, और अर्थ का मतलब तो आप जानते ही हैं, मीनिंग। तो श्रुति सम का मतलब क्या हुआ? सुनने में तो एक जैसे हैं। और भिन्नार्थक का क्या मतलब हुआ? लेकिन उनके अर्थ जो हैं वो भिन्न भिन्न हैं। ऐसे शब्द जो हमको सुनने में एक जैसे लगें लेकिन उनका जो अर्थ है, जो उनका मतलब है, वो अलग अलग हो, ऐसे शब्दों को हम होमोनिम्स बोलते हैं। होमोनिम्स, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। हिंदी भाषा में कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो पढ़ने, सुनने और बोलने में एक जैसे लगते हैं, जिन्हें हम पढ़ें, सुनें और बोलें, मतलब कानों में जाए वो शब्द तो वो हमें एक जैसा दिखेगा, लेकिन या किंतु इनके अर्थ में भिन्नता होती है। ऐसे शब्दों को हम श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द बोलते हैं। जैसे श्याम, आप इसको क्या पढ़ेंगे? श्याम पढ़ेंगे, और इसको क्या पढ़ेंगे? श्याम। लेकिन हम इतना फोर्स देकर तो नहीं बोलते ना श्याम या श्याम, हम ऐसे ही बोल देते हैं, इसको भी श्याम और इसको भी श्याम। तो सुनने में दोनों शब्द कैसे लग रहे हैं? बिल्कुल एक जैसे। लेकिन क्या आप जानते हो कि ये श्याम और ये श्याम अलग अलग हैं, क्योंकि इनका मतलब भी अलग अलग है। इसका मतलब क्या होता है? दोपहर के बाद का समय, जब सूरज ढल रहा होता है, ठीक उस समय का, उस टाइम पीरियड को हम शाम बोलते हैं। रात से पहले के समय को हम शाम बोलते हैं। और श्याम, श्याम का मतलब होता है काला, और जो कृष्ण जी हैं उनको भी, उनका भी दूसरा नाम है श्याम। तो दोनों का मतलब बिल्कुल एक दूसरे से अलग है, दोनों एक दूसरे से कहीं भी एक जैसे नहीं हैं, केवल और केवल देखने में एक जैसे हैं और सुनने में एक जैसे हैं। तो ऐसे शब्द क्या होते हैं? श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द होते हैं। जैसे अभी अभी मैंने बताया शाम का अर्थ क्या है? संध्या, संध्या को शाम कहते हैं, और ये शाम को हम इसका मीनिंग क्या बताएंगे? दोपहर के बाद का समय शाम कहलाता है। और जो दूसरा शब्द है श्याम, श्याम का अर्थ क्या होता है? काला, और श्री कृष्ण का एक रूप काला भी है, उसको श्याम बोलते हैं। तो जो शब्द पढ़ने, सुनने और बोलने में एक जैसे लगते हैं किंतु भिन्न अर्थ रखते हैं, उन्हें हम श्रुति संभिन्नार्थक शब्द कहते हैं, या वे शब्द श्रुति संभिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। तो ऐसा एक शब्द या दो शब्द नहीं है, ऐसे अनेकों शब्द हैं, बहुत सारे हैं। तो उन बहुत सारे शब्दों में से कुछ शब्द हमें अपनी बुक में, हमें अपने इस चैप्टर में पढ़ने हैं, तो वो हम आज पढ़ेंगे और उनको देखेंगे कि वो इस तरह के शब्द कैसे हैं और उनको हम कैसे और अच्छे से समझ कर बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है आपकी लिस्ट। इस लिस्ट में कुछ शब्द दिए गए हैं, तो हम एक एक करके सबको बहुत ध्यान से पढ़ते हैं और इनका मतलब देखते हैं। पहला शब्द देखिए, आप इसको क्या पढ़ेंगे? मेरे साथ पढ़ना है, मेरे साथ बोलना भी है। ये शब्द है और ये क्या है? और। अभी कोई जल्दबाजी में बोले तो दोनों को ही बोल देगा और, इतना अंतर समझ में नहीं आएगा, लेकिन अंतर है। यहाँ पर आपका ओ पर दो मात्रा लगी है और यहाँ पर एक मात्रा लगी है, तो दोनों का अर्थ एक जैसा नहीं है। अगर आप ये लगा देंगे और की जगह पर तो गलत हो जाएगा। अगर आपने लिखा राम और सीता, तो आप उसमें कौन सा और बनाएंगे? ये वाला और बनाएंगे या ये वाला और बनाएंगे? ऑफकोर्स ये वाला बनाएंगे। ठीक, अगर किसी बच्चे ने ये बना दिया तो उसका मतलब हो जाएगा राम और सीता। तो बहुत ध्यान से लिखना होता है। तो इस और का क्या मतलब है? इस और का मतलब है तथा, जो इंग्लिश में हम एंड यूज करते हैं, एंड, उस एंड को हिंदी में और बोलते हैं। तो तथा या फिर दूसरा, कोई और। जैसे कहते हैं कि मुझे ये वाली ड्रेस पसंद नहीं है, कोई और खरीदते हैं। मुझे इस दुकान से कुछ नहीं लेना, किसी और दुकान से लेते हैं। तो और मतलब दूसरा।
और एक और शब्द है ओर, ओर का मतलब है तरफ, जैसे हमें हमेशा सड़क के बाईं ओर चलना चाहिए, तो बाईं मतलब तरफ, उस ओर मत देखो, इस ओर देखो, ठीक, अपने दाहिनी तरफ चलो। तो इस तरह से हम और शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो दो शब्द हैं और ये दोनों शब्द श्रुति संभिन्नार्थक शब्द या होमोनिम्स कहलाएंगे। दूसरा देखिए, पका, ये है पका और ये है पक्का, एक है पका और दूसरा है पक्का। पका मतलब पका, जैसे कच्चा खाना वैसे ही पका खाना। अब कच्चा और पक्का नहीं होता है, कच्चा और पका, पका मीन्स पका हुआ, जिस चीज़ को आपने गैस पर पका लिया है उसे पका हुआ बोलते हैं। जैसे खाना पक जाता है या फल पेड़ पर लगे लगे पक जाते हैं, सब्जियां पक जाती हैं, वो है पका हुआ, मुलायम हो गई हैं। दूसरा है पक्का, पक्का का मतलब होता है मजबूत, मजबूत। जैसे ये दीवार बहुत पक्की है, हमारी दोस्ती बहुत पक्की है, टूटेगी नहीं, तो पक्का मतलब मजबूत और पका मतलब पका हुआ। तीसरा देखिए, ये तो बिल्कुल एक जैसे लगते हैं बोलने में और कंफ्यूजन भी रहता है, अनिल और अनल, अनिल और अनल, ठीक। तो अनिल का मतलब क्या होता है, हवा या वायु, अनिल मतलब हवा या वायु, और अनल का क्या मतलब होता है, आग। देखो दोनों बिल्कुल एक दूसरे से अलग हैं, लेकिन तीनों अक्षर एक समान है, केवल और केवल किसका अंतर है, मात्रा का। यहाँ अनिल, अनिल मतलब वायु, और अनल, अनल मतलब आग, अनिल वायु, अनल आग। चौथा देखिए, देखिए इनमें भी कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, इसको बोलेंगे बात और इसको बोलेंगे वात, बात और वात, वा ब वा ब वा, तो ये है वात और ये है बात। कोई बात नहीं है, कोई और बात कर लो, चलो अब बातें बहुत हो गई, बंद करो। तो बात का मतलब वार्ता, वा वार्ता, बातचीत, जो भी हम बोलते हैं उसको कहते हैं बात। और जो वात होता है, वात, वात का मतलब होता है वही अनिल वाला, यानी कि वायु। वात मतलब वायु, कौन सी वायु, एक तरह से जो वायु हम अपने शरीर में लेते हैं अंदर ऑक्सीजन के रूप में, उसको बेसिकली हम उसको वात के सेंस में यूज़ करते हैं, ठीक। तो वात वायु, तो ये बात है, ये वार्ता है, ये वात है और ये वायु है। तीनों ही, चारों ही शब्द वा से स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन आप जब इनको उच्चारित करेंगे, इनको बोलेंगे, तो बोलते समय ध्यान रखना है। पांचवा शब्द देखिए, इनको भी बच्चे अक्सर कर एक जैसा ही पढ़ते हैं, लेकिन इनको अलग अलग पढ़ा जाता है। इसको हम बोलते हैं गृह, गृह, इस पर री ऋषि की मात्रा लग रही है तो गृह, और इस पर रा पदेन की मात्रा लग रही हो तो ग्रह, ग्रह, इसका गृह, ग्रह, गृह, ग्रह, गृह, ग्रह। तो गृह का मतलब क्या होता है, घर, अपने घर को गृह बोलते हैं। जब घर में नया प्रवेश होता है तो उसे घर प्रवेश की जगह क्या बोला जाता है, कि मेरे घर का आज गृह प्रवेश है, ठीक। दूसरा है ग्रह, कोई भी आकाशीय पिंड, मतलब जो अंतरिक्ष में है, उस पिंड को, उस चट्टान को, उस गोले को हम ग्रह बोलते हैं। जैसे कि पृथ्वी एक चट्टान है, एक गोला है, तो वो ग्रह है, पिंड है, वो ग्रह है, और ऊपर है, आकाश में है, तो आकाशीय पिंड हो गया। तो बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, तो प्लैनेट की हिंदी जो होती है वो होती है ग्रह, और ये गृह, गृह मीन्स घर, और ग्रह मीन्स कोई भी पिंड, जैसे मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, ये सब ग्रह हैं। छठवां देखिए, योग और योग्य, योग, योग मतलब जोड़, कहते हैं दो और दो का योग करो, दो और दो को ऐड करो, तो ऐड करने को हिंदी में बोलते हैं योग। मेल करो, कहते हैं कि शादी का कोई योग नहीं है, इन दोनों की शादी का कोई मेल नहीं है, मतलब इन दोनों की शादी नहीं होनी चाहिए, तो योग, जोड़ या मेल। और जो इसका दूसरा है होमोनिम, वो है योग्य, ये नौकरी तुम्हारे योग्य नहीं है, या तुम इस नौकरी के योग्य नहीं हो। योग्य मतलब एबल, लायक, मैं इस काम को करने के योग्य नहीं हूँ, मुझे कोई दूसरा काम दे दीजिए। इस तरह से हम योग, योग मतलब जोड़ना, और योग्य मतलब लायक। देखिए बिल्कुल बारीक सा अंतर है, आप जब जल्दी जल्दी बोलोगे तो आपको योग योग्य लग सकता है और योग्य योग लग सकता है, आपको समझना पड़ेगा योग और योग्य, ठीक।
अगला शब्द देखिए दिन, और ये क्या है? दीन। इन दोनों में तो अंतर है। दिन मतलब दिवस, जैसे कोई भी दिन, सोमवार का दिन, मंगलवार का दिन, आज का दिन, कल का दिन, परसों का दिन। दिन मतलब दिवस। और दीन, दीनहीन दशा मतलब गरीब, जो गरीब होते हैं, जिनके पास खाने पीने पहनने के लिए कोई भी संसाधन सामग्री नहीं होती है, तो उन्हें कहते हैं दीन। तो दिन मीन्स दिवस और दीन मीन्स गरीब। आठवां देखिए समान। देखो इसमें अंतर है, समान और यह है सामान। समान पर हम बोलते सामान को समान ही है, हम बाजार से बहुत सारा सामान लेकर आए, तो वो समान नहीं है, वो क्या है? सामान। समान का मतलब क्या है? मैं और तुम समान हैं, गरीब और अमीर समान नहीं है। समान मतलब बराबर, वो मेरे समान है, मैं उसके समान हूँ, बराबर हूँ, हम दोनों एक समान हैं, हम दोनों बराबर हैं। इसका मूल्य उसके मूल्य के समान है, तो दोनों का मूल्य बराबर है। और एक है सामान जो हम बाजार से लाते हैं, वो है सामान, वस्तुएं। सामान का मतलब वस्तुएं। और इसी तरह से मैंने बोला हम बाजार से लाते हैं, तो बाजार नहीं बाजार, बाजार। इसी तरह से सामान नहीं सामान, तो सामान का मतलब वस्तुएं और समान का मतलब बराबर। इवन, इसकी इंग्लिश होती है इवन, इक्वल, और यह है सामान, थिंग्स, ऑब्जेक्ट्स। नाइन्थ को देखिए अब क्या है, जैसे योग और योग्यता उसी तरह से क्या है ये? मूल्य, मूल्य और मूल, मूल्य और मूल। मूल्य मतलब क्या होती है? प्राइस, कीमत। कहते हैं कि इन जूतों का क्या मूल्य है, उस किताब का क्या मूल्य है, ये पेन कितने मूल्य का है, तो मूल्य मतलब कीमत, प्राइस क्या है। और मूल, देखो मूली, मूल से क्या बना? मूली। तो मूल का मतलब क्या होता है? जड़, जो बेसिक चीज़ है उसको बोलते हैं मूल। मूल के साथ हम लगाते हैं मूल कारण, मतलब इसका इसका जड़ क्या है, तुम्हारी बीमारी का मूल कारण क्या है, तुम्हारी उदासी का मूल कारण क्या है। और एक जो पेड़ होता है उसकी जो जड़ होती हैं वो भी, उसको भी हम मूल कहते हैं, इसलिए मूली एक जड़ है, तो उसका नाम भी मूली पड़ गया। तो मूल्य मतलब कीमत और मूल मतलब जड़, रूट। दसवां देखिए काट, और ये काठ, काट, काट मीन्स काटना, कट 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 कैंची से काटना, तो वो है काटना, काट का मतलब काटना। और ये है काठ, काठ, काठ का मतलब होता है लकड़ी, लकड़ा या लकड़ी कुछ भी कह सकते हैं, काठ। देखो जो अपने यहाँ मंदिर है केला देवी का, वहाँ पर लकड़ी का बाजार है, तो उसको काठ बाजार भी बोलते हैं। काठ बाजार मतलब ऐसा बाजार जहाँ पर लकड़ी का काम होता है, लकड़ी के सामान बनाए जाते हैं, वस्तुएं बनाई जाती हैं, तो काठ बाजार मतलब लकड़ी का बाजार। ठीक है, अब अगला शब्द देखो कुल, और ये है कूल। कुल, कुल का मतलब क्या होता है? आपने पहले भी पढ़ा था, कुल का मतलब होता है एक तो टोटल वाला भी कुल होता है, जिसको हम बोलते हैं योग, है ना, कुल टोटल क्या हुआ। और एक और मतलब होता है कुल का वंश, जो आपका खानदान होता है उसको भी कुल कहते हैं, वंश कहते हैं। और इसी से मिलता जुलता शब्द है कूल, कुल, कूल। कूल मीन्स किनारा, नदी का किनारा, समुद्र का किनारा, तो उसको बोलते हैं हम कूल। तो कुल का मतलब वंश और कूल का मतलब किनारा। यहाँ देखिए दशा और दिशा। दशा का मतलब क्या होता है? गरीबी की दशा, अमीरी की दशा, बुढ़ापे की दशा, बचपन की दशा, अवस्था, आप किस अवस्था में हो, किस कंडीशन में हो, उसको बोलते हैं दशा। और दूसरा इसका जो होमोनिम है वो है दिशा, दशा, दिशा। और दिशा का मतलब क्या होता है? तरफ। अच्छा, एक और पढ़ा था अभी आपने तरफ, और का भी मतलब तरफ था, तो दिशा का मतलब तरफ, किस दिशा में जा रहे हो, मतलब किस तरफ जा रहे हो, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, ऐसे। आगे देखिए, ये दोनों भी एक जैसे लगते हैं बोलने में, अन्न और अन्य बिल्कुल एक जैसे हैं। देखो अन्न और अन्य, लेकिन इतना पता नहीं चलता है, जब जल्दी में बोलेंगे तो एक जैसे लगेंगे, लेकिन हैं अलग अलग। अन्न इसमें आधा ना पूरा ना है, और अन्न का मतलब होता है अनाज, जैसे गेहूँ, चावल, दालें, ये सब अन्न हैं। और अन्य, अन्य का मतलब होता है कोई और, कोई दूसरा। ठीक, अन्य किसी से बात कर लो, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता हूँ। और अन्न, किसान जो है वो अन्न को पैदा करता है, अन्न हमारे देश में बहुत महंगा हो चुका है, तो अन्न मतलब अनाज और अन्य मतलब दूसरा। 14 नंबर पे देखिए, ये थोड़े से आपको हो सकता है मुश्किल लगे, परिमाण और परिणाम, सिर्फ ड़ा और माँ का अंतर है। यह है परिमाण और यह है परिणाम।
परिमाण का मतलब होता है मात्रा, किसी चीज़ की क्वांटिटी, कम इस्तेमाल होता है, मतलब जो हमारी नॉर्मल लैंग्वेज है, रोजाना की बोलचाल की भाषा है, उसमें कम इस्तेमाल होता है, वैसे बहुत इस्तेमाल होता है। तो परिमाण मतलब कोई भी चीज़ की क्वांटिटी, मात्रा, और परिणाम मतलब होता है रिजल्ट या नतीजा। कहते हैं तुम्हारा आज कैसा परिणाम आया, अच्छा आया या बुरा आया, तो फिर चिंता मत करो, तुम्हारा परिणाम अच्छा ही आएगा। तो इस तरह से परिणाम मतलब नतीजा, रिजल्ट, परिमाण मतलब मात्रा। आगे देखो, निधन और निर्धन, थोड़ा थोड़ा अंतर है, निधन और निर्धन। निधन मतलब निधन, बिना धन के, नहीं बिना धन के नहीं, ये निर्धन है, गलत बता दिया। निधन मतलब किसी चीज़ की, किसी व्यक्ति की मृत्यु, मृत्यु को बोलते हैं निधन। अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो बोलते हैं कि उनका निधन हो गया है। कभी कभी मृत्यु बोलना अच्छा नहीं लगता तो हम बोल देते हैं निधन हो गया है। और दूसरा है निर्धन, रारेफ की मात्रा लगी हुई है, निर्धन। निर्धन मतलब बिना धन के, उसको गरीब बोलते हैं। निर्धन, गरीब, दीन, एक ही जैसे शब्द हैं। और निधन का मतलब मृत्यु, यहाँ पर भी ऋषि की मात्रा लगी हुई है, मृत्यु। 16 देखिए, धरा और धारा। धरा, धरा का मतलब धरती, पृथ्वी, जमीन, उसको बोलते हैं धरा। भू, भूमि, भू, धरा, धरती, ये सब पर्यायवाची हैं। और धारा, धारा जल की धारा, ठीक। धारा मतलब प्रवाह, अगर एक लाइन में ऐसे जल बह रहा है सीधा 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 एक लाइन बनाकर, तो उसको जल की धारा बोलेंगे। या लोटे से अगर हम गिरा रहे हैं पानी तो जो निकल रहा है नीचे वो है धारा, प्रवाह, ठीक, स्ट्रीम, प्रवाह, फ्लो। तो ये है धारा और ये है धरा, दोनों शब्दों में अंतर है, बोलने में सुनने में एक जैसे लगते हैं, ठीक है। चार शब्द और हैं, ये देखिए, इनको पढ़िए आप, उपयुक्त, और ये क्या है, उपर्युक्त। ये है उपयुक्त और ये है आपका उपर्युक्त। उपयुक्त मतलब ठीक, ये वाले जूते तुम्हारे लिए उपयुक्त हैं, मतलब ठीक हैं। और ये है उपर्युक्त, उपर्युक्त का मतलब ऊपर कहा गया, बोलते हैं हम जैसे उपर्युक्त वाक्यों में आपको बताया गया है कि आगे कुछ और हम लिख सकते हैं। तो उपर्युक्त मतलब जो चीज़ आपने ऊपर कह दी है। कई बार इसके लिए, ऊपर कहने के लिए आप उपयुक्त शब्द का इस्तेमाल कर लेते हैं, वो गलत कर लेते हैं। उपयुक्त का मतलब होता है ठीक और उपर्युक्त का मतलब होता है ऊपर कहा गया। उपर्युक्त उदाहरणों से स्पष्ट है कि, ठीक, किताबों में कई बार ऐसा लिखा होता है तो उसके लिए शब्द इस्तेमाल होता है उपर्युक्त। और ये है आपका उपयुक्त, उपयुक्त मतलब ठीक और उपर्युक्त मतलब ऊपर कहा गया। 18 देखिए, आसमान और असमान, थोड़ा सा अंतर है, आसमान आकाश और असमान, समान का मतलब बराबर एक जैसा और असमान का मतलब जो बराबर ना हो। तो आसमान का मतलब आकाश और असमान का मतलब जो बराबर ना हो। समान जो बराबर हो, और असमान, अ लग जाता है तो उसका मतलब होता है नहीं, अ उपसर्ग है इसमें, तो असमान जो बराबर ना हो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बाग और बाघ, ग और घा है, अलग अलग साउंड हैं। बाग, गार्डन, बगीचा, तो बाग का मतलब बगीचा, और आम का बाग, अमरूद का बाग, ऐसे बोलते हैं। और ये है बाघ, बाघ एक जानवर है, हालांकि ये गलत लिखा है, बाघ का मतलब चीता नहीं होता है, चीते की प्रजाति का ही एक जानवर बोल सकते हैं हम, ठीक है। चीता अलग जानवर है, बाघ अलग जानवर है, दोनों को एक जैसा तो नहीं लिख सकते हैं, तो एक जानवर है, चीते की प्रजाति का एक जानवर है, तो बाघ एक जानवर है, और बाघ मतलब गार्डन या बगीचा। अब देखिए लास्ट है, कंगाल और कंकाल। कंगाल, कंगाल मतलब गरीब, तो आपने गरीब के कितने शब्द पढ़े, गरीब पढ़ा, दीन पढ़ा, निर्धन पढ़ा, और अब पढ़ा कंगाल, ठीक। कंगाल गरीब, और एक है कंकाल, हड्डियों का ढांचा, जैसे हमारा शरीर है, शरीर के ऊपर हमारी ये जो खाल है, ठीक, ये हटा दी जाए पूरी तो नीचे जो बचेगा वो क्या बचेगा, कंकाल बचेगा, हड्डियां हड्डियां रह जाएंगी हमारे शरीर में, सारी मांसपेशियां हट जाएं, तो हड्डियों का ढांचा, देखा होगा आपने पूरा का पूरा जो हड्डियों का ढांचा, जो कंकाल हम जिसे बोलते हैं, जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं वो इस्तेमाल करते हैं इसको, कंकाल, हड्डियों का ढांचा। तो ये थे आपके 20 होमोनिम शब्द, जिनको सुनना बोलना एक जैसा लगता है लेकिन उनके अर्थ अलग अलग हैं।
अब हम सॉल्व कर लेते हैं इसकी एक्सरसाइज, छोटी सी है, फटाफट से सॉल्व हो जाएगी। देखिए, सही विकल्प पर सही का निशान लगाना है। कोश का क्या अर्थ होता है? कोश, शब्द कोश, सुना है आपने शब्द कोश या कोश केवल, तो कोश का मतलब होता है शब्द भंडार या खजाना या वायु, तो कोश का मतलब होता है खजाना। अब आप कोश के साथ कोई भी शब्द लगा दीजिए, शब्द कोश का मतलब शब्दों का खजाना, ठीक है, धन कोश का मतलब धन का खजाना, तो कोश का मतलब क्या होता है? खजाना। गृह, गृह का मतलब क्या होता है? ये वाले गृह का मतलब होता है घर, और दूसरे वाले ग्रह का मतलब, दूसरे वाले ग्रह का मतलब क्या है? आकाशीय पिंड, और गृह का मतलब क्या है? घर, तो इसका सही आंसर है घर। आदि, ये शब्द है आदि, दो शब्द होते हैं, एक आदि होता है और एक अंत होता है, तो आदि और अंत दोनों एक दूसरे के विलोम शब्द हैं, तो आदि का मतलब क्या होता है? शुरुआत का, प्रारंभ का, और अंत का मतलब आखिर का, तो यहाँ पर तीन शब्द हैं, प्रारंभ, अंत और शौकीन, तो आदि का क्या मतलब हुआ? आदि का मतलब हुआ प्रारंभ, ठीक है। अगले शब्द की बात करते हैं, अगला शब्द है हमारे पास कंकाल, और कंकाल का क्या अर्थ है? अभी अभी हमने पढ़ा था कंकाल का अर्थ क्या होता है, गरीब, नहीं, गरीब को कंकाल कहते हैं, कंकाल को क्या बोलते हैं? हड्डियों का ढांचा, तो इसका सही उत्तर क्या है? हड्डियों का ढांचा, ठीक है। तो ये आपके चार क्वेश्चन थे, इनको अब आप सॉल्व कर लीजिएगा, चार और हैं उनको भी देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखो, नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में कोष्ठक से सही शब्द छांटकर भरिए। कोष्ठक क्या होता है? जो आप देख रहे हो यहाँ पर ये लगा है ऐसे करके और ऐसे, इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? कोष्ठक। तो आपको यहाँ से सही जो शब्द हैं वो भरने हैं। शब्द देखिए क्या लिखा हुआ है, आदि और आदि, पका, पक्का, ये सारे होमोनिम हैं, अन्न और अन्य, और ग्रह और गृह। अब सेंटेंस देखिए, विपुल चाय पीने का, चाय पीने का तो सबको शौक होता है, तो विपुल चाय पीने का क्या है? आदि है कि आदि है? आदि शब्द का मतलब होता है आदतन होना, किसी चीज़ की हैबिट होना को, अगर आपको किसी चीज़ की हैबिट है तो आप उसके आदि हैं, हैबिचुअल हैं, और आदि का मतलब तो मैंने अभी आपको बताया था प्रारंभ, तो विपुल चाय पीने का आदि है, ठीक है। दूसरा देखिए, यह पत्थर बड़ा, अब पत्थर पका हुआ तो नहीं होगा, गैस पे तो नहीं पकाएंगे ना पत्थर को, तो पत्थर कैसा होगा? मजबूत, तो मजबूत के लिए क्या लगाएंगे? पक्का, तो यह पत्थर बड़ा पक्का है। तीसरा देखिए, कोई इस कार्य को नहीं कर सकता है, तो कैसे लगाएंगे? अन्न कोई या अन्य कोई, तो अन्न का मतलब तो क्या होता है? अनाज, अनाज का तो कोई काम ही नहीं है सेंटेंस में, तो क्या लगाएंगे? अन्य कोई, अन्य कोई इस कार्य को नहीं कर सकता है। चौथा देखिए, मैंने अपना, अब ग्रह या गृह, तो मैंने अपना कार्य कर लिया है, अब आप कौन सा कार्य करोगे? आकाशीय पिंड का कार्य करोगे या घर का कार्य करोगे? कौन घर का करेंगे, तो मैंने अपना गृह कार्य कर लिया है। आसान है आपके लिए बिल्कुल, आप बैठोगे तो समझ में आ जाएंगे, हो जाएगा। तो ये दो एक्सरसाइज आपको सॉल्व कर लेनी है और ये चैप्टर फिनिश है। इसके बाद आप इनको रिवाइज कीजिए बार बार और इस्तेमाल कीजिए, और जहाँ पर भी इन शब्दों का प्रयोग होता हुआ आपको दिखाई दे तो आप तुरंत दिमाग से सोचिए कि इसका होमोनिम क्या है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम फिर मिलेंगे, टिल देन कीप वॉचिंग माई वीडियोज़, बाय बाय।